नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2017 का अभी टायर वन टायर टू टायर थ्री का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो आ गया है। इसका मतलब अगला जो स्टेज है टायर फोर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो स्टेज अब स्टार्ट हो गई है। स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि कौन कौन सा कैंडिडेट है, आप पास हैं, आप अगले राउंड में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, अब उसको बिल्कुल क्लियर हो गया। कहने का मतलब है कि एसएससी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और टायर फोर बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए इमीडिएटली टायर फोर का तैयारी बिल्कुल जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ गई है और कितनी कट ऑफ गई है, किस कैटेगरी के लिए गई है, वो थोड़ा देख लेते हैं कितने कैंडिडेट अगले राउंड में पहुंचे हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको रिजल्ट, एसएससी की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे राइट साइड में आपको ऊपर सबसे रिजल्ट लिख कर मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की सीट नजर आएगी। ये इस तरह की सीट नजर आएगी, अगर आपको कट ऑफ देनी है तो कोई किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर अपना नाम देखना है तो आप इस पे क्लिक करना है, आपको पता चल जाएगा आपने अगले राउंड में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। अब ये जो रिजल्ट आया है, जैसे पिछली बार क्या था, टायर वन टायर टू का मिलाकर रिजल्ट आया था, फिर टायर थ्री को मिला दिया था आखिर में, तो इस तरह से रिजल्ट आया था। इस बार क्या है कि टायर वन टायर टू और टायर थ्री इन तीनों को मिला दिया गया है। इन तीनों को मिलाने के बाद में जो चीजें जो देखो टायर थ्री है उसमें मिनिमम कट ऑफ रखी गई है 33, मतलब कि वो मेरिट में काउंट होगा, मतलब किसी के अगर 75 मार्क्स है तो 75 मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे के 30 मार्क्स आए तो वो पूरे कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। ठीक, टायर वन और टायर टू है उसमें उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो टायर वन और टायर टू में, लेकिन अगर उसके टायर थ्री में 33 से कम नंबर है तो वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया होगा, उसका नाम नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस वजह से नाम नहीं होगा वो बाद में तो पता चल जाएगा, लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है 33 नंबर है वो ना आए, या कहीं कहीं जीरो भी लग सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट के जीरो पिछली बार लगे थे, इस बार कहीं ऐसा नहीं है कि वो गलती फिर दोबारा कर दी हो। अब जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो अगले राउंड में जिसको स्किल्स टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको टायर फोर बोलते हैं उसमें पहुंच गए हैं। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। टायर थ्री के लिए टायर थ्री में जो क्वालिफाई हुए हैं और किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका सीपीटी नहीं होगा, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें 1200 देखिए 1161 जनरल कैटेगरी में इतनी इसकी कट ऑफ हुई है 642.50, कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि चार गुना कैंडिडेट को लिया गया है। 9000 के आसपास टोटल वैकेंसी है, टोटल अगर मैं बात करूँ मैं 35,000 समथिंग कैंडिडेट को यहाँ पे अगले राउंड के लिए लिया गया है। इसका मतलब अभी भी काफी गुंजाइश है कि कई कैंडिडेट इसमें भी बाहर हो सकते हैं, स्पेशली वो कैंडिडेट जो सीपीटी या डीएसटी क्वालिफाई नहीं करेंगे वो बाहर हो सकते हैं और इनके नंबर इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ये एक तो ये जनरल कैटेगरी की है, ये ओबीसी की है, एसटी की और एससी की है। अब आता है कि जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसको कि जेएसओ बोलते हैं, इसकी जो कट ऑफ हमेशा कम जाती है, और ये कितने में से है, ये देखिए टायर थ्री के जो मार्क्स थे वो तो 100 थे, टायर टू के 200 थे, उसके बाद तीन पेपर और होते हैं इसमें, मैथ इंग्लिश और एओगे में ऑडिट वाला अब एक पेपर होता है, तो कुल मिलाकर क्या है कि 900 नंबर में से ये इतने नंबर आए हैं इसमें, ऐसे ही इसमें 900 नंबर में से ये आए। तो अगर किसी कैंडिडेट कोई कैंडिडेट है वो जेएसओ का फॉर्म अप्लाई करता है और जेएसओ की थोड़ी बहुत भी तैयारी करता है, उसकी काफी संभावना हो जाती है जॉब लगने की। अगला राउंड देख लेते हैं, अगले लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट नंबर थ्री ये है सीपीटी वाली। बहुत सारी पोस्ट के लिए सीपीटी आवश्यक है, यहां तक कि अब कुछ एक और ऐड कर दिया गया था बाद में कुछ चेंजेस करके, और वो किस किस पोस्ट के लिए सीपीटी आवश्यक है वो कल मैंने डिस्कशन किया था, आप वो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, वहां पे आपको पता चलेगा काफी, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर, इन सबके लिए सीपीटी चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कट ऑफ गई है टायर वन टायर टू टायर थ्री तीनों को मिलाकर 496.50 494.75, अगर ऑन एन एवरेज 60 के अगर आसपास मार्क्स हैं टायर थ्री में तो आप बोल सकते हैं कि टायर वन और टायर टू तक जिसके कि लगभग 440 के आसपास नंबर थे, पिछली बार भी लगभग ऐसा ही था, इस बार भी लगभग ऐसा ही है, तो कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम गई है 440 के आसपास, जिसका 436 इसके रेंज में है स्कोर है, तो कम से कम वो किसी जॉब के लिए एलिजिबल हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर वो सीपीटी या डीएसटी वो क्वालिफाई करे तो। इसके लिए
ओबीसी में इसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहे हैं, ओबीसी इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। एससी कैटेगरी में गई है 418 गई है, एसटी कैटेगरी में। और कैंडिडेट जो गए हैं इसमें वो लगभग 10,000 के आसपास अगले राउंड में गए हैं। अब देख लेते हैं कि जो मिनिमम दो पोस्ट के लिए जो असिस्टेंट होते हैं सीबीडीटी में और में एक्साइज वाले में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, दोनों के लिए जो टाइपिंग स्किल्स है उसका टेस्ट होना जरूरी होता है, वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है, वरना कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर आपने अच्छा खासा स्कोर किया है, 400 मान लो 60 किया है, 470 किया है, इस बात की काफी संभावना हो सकती है कि कोई वैकेंसी आपको कोई पोस्ट नहीं मिले अगर ये स्किल टेस्ट है और डीएसटी है क्वालिफाई नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा आखिर में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। तो इसमें कितने कैंडिडेट है, 35,674 लगभग 36,000 के आसपास कैंडिडेट। कुल मिलाकर आप बात करें तो 36,000 कैंडिडेट है वो टायर थ्री को क्वालिफाई किया है और 8-9,000 के आसपास वैकेंसी है। तो लगभग 4 गुना कैंडिडेट है इसमें लिए गए, मतलब कि अभी भी काफी गुंजाइश है कि कई कैंडिडेट बाहर होंगे जो ऊपर वाले होंगे और जिनका डीईएसटी और सीपीटी क्वालिफाई होगा वही आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने आप को देख लीजिए कि कहां पे आप इसमें पढ़ रहे हैं। अब आगे आता है बात, बहुत जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी टाइम में स्किल टेस्ट होता है सीपीटी और डीएसटी वाला। All candidate qualified in more than one list would require to appear for skill test and document verification only once. इसका मतलब यह है कि जो skill test का मतलब CPT। अब CPT में तीनों चीजें होती है, क्या क्या होती है, MS Word होता है टाइपिंग वाला, उसके बाद होता है पावर पॉइंट और उसके बाद होता है वो होता है एक्सेल होता है। और ये अक्सर क्या है कि 2000 एमएस ऑफिस 2007 में टेस्टिंग ही होती है। आपको थोड़ा बहुत कोशिश कर लेनी चाहिए 2010 की भी, लेकिन 2007 में ही इसकी टेस्टिंग होती है। तो उसी दिन है वो सारी चीजें हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीपीडी और स्किल टेस्ट। और ये रीजनल ऑफिस होता है ना, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे रीजनल ऑफिस है, वो डेट बताता है आपको। तो आपको इसके लिए रीजनल आपका जो ऑफिस है जिस रीजन में आप पढ़ रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाकर देखना है कि आपका वहां पे कब हो सकता है। जल्दी ही मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही वहां पे डेट अपडेट हो जाएगी कब आपका ये टेस्ट होने वाला है। डिटेल ऑप्शन ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व्हिच शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जिन्होंने ऑप्शन पहले अब फॉर्म में भरे होंगे, अब वो चेंज करना चाहे तो कर सकता है। आखिर में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो बताना चाहता है वो बता सकता है कि उसको किस तरह की पोस्ट चाहिए होती है। तो डिपार्टमेंट और पोस्ट वो अब उसके पास आखिरी राउंड में बताने का ये आखिरी मौका है। कैंडिडेट डिक्लेयर्स क्वालिफाइड इन लिस्ट थ्री विल बी कॉल्ड फॉर सीपीटी। द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर सीपीटी विल नॉट बी कॉल्ड फॉर डीईएसटी सेपरेटली एंड मॉड्यूल वन ऑफ सीपीटी विल बी टेकन फॉर इवैल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट डीईएसटी। ये बात सही है कि सीपीटी जिसका हो गया डीईएसटी उसको अलग से देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो बाकी जो इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है, कुछ कैंडिडेट के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है किसी कोर्ट केस की वजह से। अब जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको कॉल लेटर आएगा, और कॉल लेटर नहीं आता है तो रीजनल ऑफिस से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो ये सारी जानकारी थी इससे रिलेटेड। अब आता है कि पिनेकल है वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सीपीटी और डीएसटी, जिसको हम एसएससी सीजीएल जॉब रेशियो टायर फोर प्रोग्राम बोलते हैं, कंप्लीट सिस्टमेटिक है। इसमें 150 टेस्ट होते हैं, 50 टेस्ट है वो टाइपिंग होते हैं, और ये 50 टेस्ट आप रोटेट कर सकते हैं, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको हर रोज 3 से 4 घंटे टाइपिंग की जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें स्पीड बहुत सारे कैंडिडेट कर लेते हैं लेकिन वो गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि स्पीड इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी में मार खाते हैं। तो एक्यूरेसी है वो आपकी 5% से डेविएशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट रखे गए हो सकता है वो 3% 4% पे भी रख ले। आपको टारगेट रखना चाहिए इन एक्यूरेसी 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक्यूरेसी 95% होनी चाहिए। 98% का टारगेट रखिए, ताकि क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा रखे गए हैं इस बार आखिरी राउंड के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ना आ जाए। 98% एक्यूरेसी रखकर चलिए, और स्पीड आपकी 30 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि 2000 डिप्रेशन 15 मिनट से आपके ज्यादा होनी चाहिए। वो हो जाते हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3-4 घंटे लगातार प्रैक्टिस करेंगे, और 2-3 कीबोर्ड पे करनी चाहिए आपको प्रैक्टिस, डेस्कटॉप पे करनी चाहिए आपको, ताकि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, ताकि जैसे रियल एग्जाम होता है उस एग्जाम को आपकी फीलिंग आए।
पिनेकल का सॉफ्टवेयर है वो इसी के अनुसार बना हुआ है, उसमें एक्यूरेसी है, आप कितना ड्यूरेशन कितनी देर में कर रहे हैं, कौन सी चीज पे ज्यादा गलती हो रही है, जब आप बार बार देखेंगे पता चलेगा। कई स्टूडेंट क्यू पे गलती करते हैं, कई पी पे करते हैं, कई डबल जैसे कि डबल सी कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा जब आप करेंगे उसके ऊपर टेस्ट है कि कौन से टाइप की गलती आप ज्यादा करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तो एलिमिनेट होने की संभावना वो जल्दी हो जाती है। और मुझे लगता है कि 10-15 दिन में एक बच्चा है वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लेता है, ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। इसके अलावा जो 50 टेस्ट हैं वो पीपीटी से रिलेटेड होते हैं, और 50 टेस्ट है वो किससे रिलेटेड होते हैं, एक्सेल से रिलेटेड होते हैं, स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एग्जाम में आता है उसी के अनुसार उसी रूप में होता है ये, और इसका एवेल्युएशन करते हैं, मतलब हाथ से चेक करते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ ना ऐसे चेकिंग, तो वैसे ही चेकिंग हम लोग करते हैं। और ये ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन का मतलब कि लाइव टेस्ट भी होते हैं, अगर कोई लाइव टेस्ट नहीं दे सके तो उसके बाद भी वो टेस्ट दे सकता है और हमें सबमिट कर सकता है। हमारा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको सबमिट करना होता है। जिन्होंने टायर 3 का एग्जाम दिया, ज्वाइन किया हुआ कोर्स है, उनको पता है कि हम लोग किस तरह का प्रोसेस अपनाते हैं। उसी तरह से जैसे टायर 3 का प्रोसेस होता है वैसे टायर 4 का प्रोसेस होता है। हम लोग इवैल्यूएट करके देते हैं, असेसमेंट करके देते हैं और उसको फीडबैक देते हैं कि गलती कहां पे हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उनको पावर पॉइंट आती है, एक्सेल आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो एग्जाम फॉर्मेट में वो करते हैं तो बहुत सारी उनसे गलतियां होती है और उनको पता नहीं चलता कि ये गलती है। तो जब हम इवेल्युएट करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो 10-15 जब टेस्ट हो जाते हैं उनका स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। और यहाँ पे अगर एक भी गलती कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो 95% एक्यूरेसी चाहिए होती है उससे बाहर होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब कि एक भी गलती होती है अगर वो हो सकता है माफ हो जाए, दूसरी गलती हो गई तो आपको ये जो टेस्ट है इससे बाहर हो जाएंगे। तीनों में से अगर एक में भी होगा, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में, अगर एक्सेल में, एक में भी अगर आप बाहर हैं तो कंप्लीटली उस तरह की जॉब से जो कि लगभग 60-70% अब जॉब हो गई है कुछ एक और एड होने के बाद में, इसका मतलब इन जॉब से आप बाहर हो गए हैं। बाकी बहुत कम जॉब बचती है फिर, और कई जॉब उसमें इतनी भी अच्छी नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि टायर 4 को बहुत गंभीरता से ले। पिनेकल एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इवेल्युएट करके देता है आपको, जैसे टायर 3 हम लोग करते हैं उसी तरह से करते हैं। तो इसका ज्वाइन करके फायदा उठा सकते हैं। ये कोर्स 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको वेबसाइट दिए हुए, ये मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हैं और इमीडिएटली ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द